उसमें दिल से यकीन करते हैं। ऐसे बहुत से लोग कांग्रेस पार्टी के साथ फॉर्मली जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन वो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के नाते मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आइए हम साथ चले। मैं उन्हें यकीन दिलाता हूं कि ये देश का सब देश के सबके लिए और कांग्रेस की सबकी भलाई इसी में है। कांग्रेस पार्टी 137 वर्षों से लोगों के जीवन का हिस्सा है। हमारे अच्छे काम के बावजूद, हमारे नेताओं के त्याग के बावजूद मतदाता हमसे कुछ रूठ गए हैं। मैं राहुल गांधी जी की आभार मानता हूं जिन्होंने इस बात को समझा और हर मुश्किल को दरकिनार करते हुए वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकल पड़े हैं। वो लोगों से मिल रहे हैं, उनसे सीधे संवाद कर रहे हैं, उनके दुख और दर्द को सुनकर वो हर लोगों से मिल रहे हैं, चाहे वो एनजीओ हो, इंटेलेक्चुअल्स हो, जर्नलिस्ट हो, किसान हो, मजदूर हो, बच्चे हो, सभी के साथ रास्ते पे मिलते हैं, उनके पूछते हैं, फिर जब इंटरवल होता है उस वक्त उनसे संवाद भी करते हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे पार्टी के लिए है और यही बड़ी देन हमारे लिए है, खासकर मेरे लिए है। कन्याकुमारी से कश्मीर की इस भारत जोड़े यात्रा में हर रोज लाखों लोग जुड़ रहे हैं। देश में एक नई ऊर्जा पैदा हो रही है, इस ऊर्जा को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में ये मेरा दायित्व है, इस दायित्व को पूरा करने में मुझे आपका साथ चाहिए और मैं आपके साथ काम करने के लिए इस विषय में तैयार हूँ। मैं नीचे से काम करते हुए आया हूँ, एक प्राइमरी मेंबर्स ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, काम करते करते इस पार्टी को जुड़ा हूँ और आपके बीच इस पद पर आकर आज पहुँचा हूँ। मैंने खुद हर वर्ष मुश्किल का सामना किया जिसका सामना आम कार्यकर्ता और पार्टी के नेता करते हैं। पार्टी में काम करते हुए जो चुनौतियां आती हैं, जो उतार चढ़ाव आते हैं, जो आशा और निराशा से आप गुजरते हैं, मैं उनसे वाकिफ हूँ।